Actor Rajkummar Rao star Omerta, which is a biographical crime drama and tells the story of Ahmed Omar Saeed Sheikh, has finally hit the theaters today. So here it is, what Mumbai audience have to say about the film. Yeah, it's a nice film, but it's meant for the particular audience. Not every people will be liking it, but the people who are really interested in seeing good, Rajkummar has done a good acting job and he's nice for all the movies. But the movie also shows the facts, which are very good. But at the end, it's not for all the people, it's for the particular choice of your. अच्छा परफॉर्म किया है राजकुमार राव ने, जो ओमर सईद शेख का कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है एंड बहुत अच्छी मूवी लगी ओवरऑल. इट्स अ डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे आप? वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं देखने आया मूवी. हंसल मेहता की मूवी उनकी पहले भी मूवी, पहले की मूवी बहुत अच्छी रही, ये भी बहुत अच्छी थी. और उन्होंने जिस तरह से पोर्ट्रे किया है सारा स्टोरी, इट्स वेरी गुड. ओमर शेख के बारे में थी जो राजकुमार राव ने प्ले किया, और उसकी जो भी जर्नी थी और हाउ ही डिड थिंग्स यू नो, और उसके बारे में बताना. तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब अवेयरनेस की, तो हम बात नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़ों की. बाकी उसके अलावा फिर भी एक्टिंग वॉज वेरी गुड, वेरी फाइन. मतलब यू आर वेरी कन्विंस्ड सीइंग द स्टोरी एंड एवरीथिंग. आई डिड नॉट लाइक एट ऑल. इट इज़ अबाउट द टेररिज्म. दे आर शोइंग थिंग्स व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड, नॉट एनीथिंग न्यू. दे आर शोइंग द पेपर्स एंड एवरीथिंग व्हाट हैज हैपेंड. Why should they spread so much of negativity? और अभी के टाइम पे यू नो इतना टेंशन रहता है हमारा कश्मीर को लेके, इंडिया को लेके एंड पाकिस्तान. तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड आई डिड नॉट लाइक इट. तो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि किसी आतंकवादी के ऊपर इतनी अच्छी मूवी बनाई गई है और इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है. राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? राजकुमार अगर नहीं होता तो इस फिल्म में जान नहीं होती. Well, people love the gripping story of a terrorist and Rajkummar Rao as Omar Saeed. Now let's see how many stars they want to give. I would give it 4. 3, 4 to for sure, 4. 1.5. Well, again, Hansal Mehta and Rajkummar Rao got amazing reviews for their collaboration. Omerta was screened in the special presentation section at the 2017 Toronto International Film Festival, the Mumbai Film Festival and the Florence Film Festival. Anna's report. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.